कैसे आप लोग? आप देख रहे हैं राहुल पेटन ऑफिशियल, और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कई सारे दोस्तों की बारी आ रही थी कि आपकी बैक बहुत स्ट्रांग है और आप अपनी सीक्रेट बैक वर्कआउट के बारे में वीडियो बनाओ, तो मैं आज अपनी सीक्रेट बैक वर्कआउट आपको बताने जा रहा हूँ। आप देखना, उसको मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है, लेकिन उससे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ मसल बिल्डिंग के बारे में। क्या आप लोग जिम जाते हो, पार्क जाते हो, कुछ भी आपका डेली का रूटीन है, ठीक है, तो क्या आपका मसल बिल्ड हो रहा है? आप ऐसी कोई चीज़ मिस कर रहे हो जिससे आपका मसल बिल्ड होने में आपको प्रॉब्लम हो रही है? तो आपको सिंपल सी चीज़ एक बात बताता हूँ कि मसल बिल्डिंग करने के लिए आपको चाहिए क्या? प्रोटीन। अगर आपकी बॉडी में हाई प्रोटीन डाइट नहीं होगी या हाई प्रोटीन आप सप्लीमेंट वगैरह से यूज़ नहीं करोगे तो आपका मसल बिल्ड नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको पता है वर्कआउट जब हम करते हैं तो हमारा टिश्यू ब्रेक होता है और उसकी रिकवरी के लिए हमारे को सप्लीमेंट की जरूरत पड़ती है प्रोटीन की। आपके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग 1 ग्राम ले सकते हो आप, अगर आप नेचुरल, अगर आप बिगिनर हो, और अगर आप एडवांस हो तो 2 ग्राम, ठीक है। और तुरंत वर्कआउट के बाद या आप कार्डियो कुछ भी कर रहे हो तो उसके बाद आपको प्रोटीन ऐड करना है अपनी बॉडी में 25 ग्राम, कम से कम 20 से 25 ग्राम वर्कआउट के बाद, जिससे आपका टिश्यू जो ब्रेक हुआ है उसकी रिकवरी फास्ट हो जाती है और हमारे को मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है। तो ये तो थी आपकी मसल बिल्डिंग की बारी, अब बात करते हैं हम दूसरी। दोस्तों आपको मालूम है कि हमारी इंडियन डाइट जो है उसमें क्या होता है कि हमारे को प्रोटीन की क्वांटिटी पूरी नहीं मिल पाती और हमारे को बहुत ज़्यादा खाना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे को क्या होता है कि डाइजेशन की प्रॉब्लम भी हो जाती है। और कई लोग अवॉइड करते हैं कि यार इतना ज़्यादा खाना हम कैसे खाएंगे, तो एक सिंपल सा लॉजिक है उसके लिए सप्लीमेंट यूज़ होते हैं, बॉडी बिल्डर्स भी यूज़ करते हैं, सभी उसको यूज़ करते हैं, क्योंकि वो आपकी जल्दी रिकवरी कर देता है। जैसे आपने ट्रेनिंग करी 15 से 20 मिनट में आपकी रिकवरी हो जाएगी, तो आप अपनी डाइट में अगर प्रोटीन कंज्यूम नहीं कर पा रहे हो तो आप सप्लीमेंट ऐड करके अपनी बॉडी की रिकवरी कर सकते हो, ठीक है, जिससे आपको मसल बिल्डिंग में भी हेल्प मिलेगी। और दूसरी चीज़ मैं उस सप्लीमेंट के बारे में आपको बता देता हूँ कि वो सप्लीमेंट है कौन सा। तो दोस्तों मैंने जैसे कि आपको बताया कि इंडियन डाइट में प्रोटीन हमारे को डाइट से हम इतनी क्वांटिटी में नहीं ले पाते जिससे हमारे को प्रॉब्लम होती है अपनी मसल बिल्डिंग करने में और हमारे टिश्यू की रिकवरी नहीं हो पाती, और इसलिए आप लोगों का मसल बिल्ड नहीं हो पाता। कई सारे बच्चे बोलते भी है कि भैया हमारा मसल बिल्डिंग, मतलब हम वर्कआउट कर रहे हैं लेकिन हमारी मसल नहीं बन रही, ठीक है। तो सिंपल सा लॉजिक मैंने आपको बता दिया कि प्रोटीन, विदाउट प्रोटीन आपकी मसल ग्रो नहीं करेगी। अगर आप नेचुरल डाइट नहीं ले पा रहे हो या आपके पास टाइम नहीं है तो आप सप्लीमेंट से प्रोटीन ले सकते हो। ये कपीवा का वेगन प्रोटीन है, ठीक है, ये बिल्कुल नेचुरल प्रोटीन है, प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, ये आयुर्वेदिक है और इसके अंदर अश्वगंधा ऐड है, जो आपको पता है कि अश्वगंधा ट्रिबुलस, ये सारी चीज़ें आपके सेक्सुअल वेलनेस को बढ़ाती है, नेचुरल टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज करती है बॉडी में, जिससे आपको मसल बिल्डिंग में हेल्प मिलेगी, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि ये आपके आपको काम रखती है, आप सारा दिन मतलब अपने आप को चुस्ती फुर्ती आपकी बॉडी में रहती है। दोस्तों जो प्रोटीन है कपीवा का, इसके अंदर ट्रिबुलस भी उन्होंने जैसे बताया कि ट्रिबुलस नेचुरल टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करता है आपकी बॉडी में। जब आपका टेस्टोस्टेरोन रिलीज करेगी बॉडी तो आपकी मसल की ग्रोथ ऑलरेडी बढ़ जाती है, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, आपको काम रखेगा, आप सारा दिन एक्टिव महसूस करोगे। ज़रूरी नहीं है आप इसको डेली अपनी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग 1 ग्राम प्रोटीन आप यूज़ कर सकते हो। दोस्तों ये कपीवा का जो प्रोटीन है ये 850 ग्राम का है और वेजिटेरियन प्रोटीन है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि इसके अंदर एक स्कूप के अंदर 23.7 ग्राम प्रोटीन मिलता है आपको, 4.1 ग्राम NCAA और 3.80 ग्राम आपको इसमें मिलता है ग्लूटामाइन, और 25 मिनरल्स मिलते हैं, 25 मिनरल्स मिलते हैं आपको, जो आपको सपोर्ट करेंगे आपकी मसल जॉइंट्स वगैरह को और आपकी मसल को रिकवरी करने में, ठीक है। तो सबसे बेस्ट प्रोटीन है, आप इसको यूज़ कर सकते हो और बजट में है काफ़ी, और मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ अभी, देखते हैं कैसा रिजल्ट होता है इसका। और आप लोगों को अगर ये चाहिए तो आप इसको, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से इसको परचेज कर सकते हो। दोस्तों आज बात हो गई प्रोटीन की, ठीक है, अब हम बात करेंगे अपने वर्कआउट के ऊपर। तो हमारा वर्कआउट है बैक का, वो स्टार्ट करते हैं। सप्लीमेंट के बारे में बताना ज़रूरी था क्योंकि वर्कआउट तो आप कर रहे हो लेकिन प्रोटीन अपनी डाइट में आप ऐड करते नहीं हो और फिर मसल बनती नहीं, इसके बाद फिर आप कंप्लेंट्स करते हो इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर। तो सिंपल चीज़ है, अगर आपका बजट है तो आप लो इसको और आपको मसल बिल्डिंग में हेल्प करेगा और देखोगे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों ये था हमारा प्रोटीन, आपके सामने दिया हूँ। बनाना फ्लेवर है और बहुत टेस्टी प्रोटीन है, तो आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। दोस्तों अब आज हम करेंगे अपना बैक का वर्कआउट, सबसे पहला करेंगे वार्म अप, ठीक है, आपको 3 से 4 सेट लेने हैं इसके,
आठ से दस रैप, पोजिशन वगैरह चेक करनी है। ये हमारा वो बुक सेट है, मैं इससे पहले दो सेट ले चुका हूँ 10-10 के, अब मेन सेट दूंगा। लेकिन आपको ऐसी ट्रेनिंग ही करनी जैसे मैं कर रहा हूँ, आप सिंपल सी 3-4 सेट कर लें आपको 10-12 रैप, ठीक है। अपने वेट, अपने अकॉर्डिंग अपना वेट चूज कर लेना, ज़्यादा लाइट और हैवी नहीं होना चाहिए, थोड़ा टफ है, मसल और माइंड का कनेक्शन बन गया, थोड़ा सा वाटर आ गया बॉडी में क्योंकि 1.5 महीने से रेस्ट रहा हूँ, तो ऑफ सीजन है, अब तैयारी करनी है। 1 महीने बाद में मैं ओलंपिक की तैयारी करूँगा बढ़िया से। और ये हम बैक का वर्कआउट था, क्लोज ग्रिप, लेग पुल डाउन, और मेरा मेन सेट है, आप देखो इसको, बहुत मजा आएगा, पूरा फील करके स्लो एकदम। चलो मित्रे जिदारी कुछ नहीं है, मसल फील कर भाई, थोड़ी बैक की ट्रेनिंग मेरी ऐसी रहती है, अगर आप लोग कभी आओगे तो मैं आपको कराऊंगा, तभी बैक की ग्रोथ होगी, जितना आप हैवी जितना फील करोगे, बैक देख सकते हो कितनी बड़ी आपको लग रही होगी, डेंसिटी आएगी, कितना हैवी लोड लोगे, कंट्रोल करके ट्रेनिंग करोगे। तो ये मेरा यार सांस को फूलेंगे, वर्कआउट के साथ साथ वीडियो बोल रहा हूँ तो सांस फूलने, जाहिर सी बात है कोई भी करेगा तो ऐसा लगेगा, लेकिन लोगों के नेगेटिव कमेंट आते हैं, मैं उस पर वो नहीं करता। अब हम करेंगे अपनी सेकंड एक्सरसाइज बैक की बारबेल बेंट रोइंग, 3 सेट करेंगे 10-12 रैप, ठीक है। अब देखते रहो फिर कैसे आना, ऊपर कंट्रोल लेंगे। ये फर्स्ट एक्सरसाइज है, ऐसे ही आपको 4 एक्सरसाइज करनी है, मेरा तो फिलहाल ये वार्म अप चल रहा है, ठीक है। अब ये मेन सेट लूंगा तो देखिए, अब मैं 100 करूँगा उसका ही वार्म अप। अब मेरा बारबेल बेंट रोइंग का सेकंड सेट है, ये मेरा वार्म अप है, मैं 5 रैप मारूंगा, लेकिन आपको मैंने पहले बताया कि आपको 3 सेट करने हैं 10-12 रैप, ठीक है। तो मेरी ट्रेनिंग को अगर आप कर सकते हो तो कर, अगर आपको लगे कि इसको यूज आपके लिए हेल्पफुल है तो आपको करना है, हेल्पफुल तो बहुत है, लेकिन अगर किसी कोच के अंडर में करोगे तो ज़्यादा अच्छा है। स्टार्ट करते हैं, ये मेरा वार्म अप है, आपका मेन सेट होगा। ये था मेरा वार्म अप, अभी एक लेंगे और वार्म अप सेट 130 का। आप हम करेंगे 130, 130, ये वार्म अप है 12 मिनट होगा, ठीक है। और आप थोड़ा सा जोश की जोत है, आप गाने लगाएंगे बाबा का, खाटू श्याम का, और फिर आप देखते बॉम्ब लेते चले। हाँ। कुछ भी नहीं है, ये अपना वार्म अप है, अब मैं मान लो मेन सेट आपको, लेकिन 3 एक्सरसाइज करनी है, 12 बोल रहा हूँ। अब ये मेरा मेन सेट 150 के 10 रैप, ठीक है। चौथा सेट है मेरा ये, लेकिन ये मेन है, अभी तक मैं वार्म अप ले रहा था, मैं ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं करता, नॉर्मल वर्कआउट करता हूँ, लेकिन हैवी करता हूँ, इंटेंसिटी करता हूँ, वीडियो की वजह से थोड़ा सा लेट हो रहा है कुछ। तो कुछ नहीं है, लाइफ बेल्ट है मेरी जान,
ऑमलेट खाया था, अंडे का सारा बाहर आ गया। ये हमारी तीसरी एक्सरसाइज है, चेस्ट करेंगे क्लोज ग्रिप, और आप मूवमेंट देखना कैसे कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल स्लो जाऊंगा और स्लो पर आऊंगा। मसल डेंसिटी चाहिए हमारे मसल के अंदर, तो जितना खींचोगे अपने आपको ऊपर होल्ड करोगे उतनी अच्छी मसल आएगी। बैक पीछे देखते कंट्रोल, पांच कह रहे अभी आए देख लो, लेकिन पूरा मसल पे आ लो, और अब अगर आप करोगे इसको तो बड़ा मजा आएगा। लास्ट एक और करेंगे थी। अब ये है अपना थर्ड सेट, ठीक है, तीसरे वर्कआउट का थर्ड सेट। अगर ढंग से करो ना भाई तो 6-7 रैप ही आते हैं, जर्क वर्क लोगे तो 15-20 भी मार दोगे, मैं भी मार दूंगा, लेकिन मसल पे लोड नहीं आ रहा तो कोई फायदा नहीं वर्कआउट करने। ये हमारी दोस्तों चौथी एक्सरसाइज है लोरो, इसके 3 सेट करने और 10-12 रेपिटेशन, ठीक है, मैं सिर्फ 2 ही सेट करूंगा। आप सोचोगे कि कम वर्कआउट करते, मैं थोड़ा इंटेंस करता हूँ, हैवी करता हूँ, इसलिए बॉडी जल्दी थक जाती है 20-25 मिनट में। तो अगर आप इंटेंस और हैवी करोगे तो आप भी देखोगे कि आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है बॉडी को, और इसके वजह से आपकी बॉडी जल्दी थक जाती है, ठीक है ना, ग्लूकोज वगैरह बहुत स्पीड से डाउन होता है बॉडी से। तो 20-25 मिनट का वर्कआउट मेरी अच्छी वर्कआउट हो जाती है, इसका रिकवरी टाइम होता है मेरा। तो आप भी इतना ही लंबा वर्कआउट करो, जरूरी नहीं है डेढ़ डेढ़ घंटे लगे रहो, बस थोड़ा इंटेंस और हैवी करो। ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज थी चौथे वर्कआउट की, अब वेट बढ़ाएंगे थोड़ा इंक्रीज करेंगे। चौथा वर्कआउट है हमारा ये सेकंड सेट है, ठीक है, हम करेंगे इसके आप 3 सेट कर लेना, मैंने 2 करे, ठीक है, और मैं 2 ही करता हूँ, लेकिन आप लोग 3 कर लेना, ये थोड़ा एडवांस वर्कआउट है। ये हमारा पांचवा वर्कआउट, पांचवे वर्कआउट का फर्स्ट एक्सरसाइज, ठीक है, कि केबल स्ट्रेट आर्म पुल डाउन, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बेस्ट डेंसिटी के लिए, बैक की डेंसिटी के लिए बहुत सारी वर्कआउट है, बस थोड़ा सा मूवमेंट वगैरह का ध्यान रखना। दो तरीके से वर्कआउट करते हैं, लेकिन जो मैं कर रहा हूँ वो स्ट्रेट आर्म केबल स्ट्रेट आर्म पुल डाउन है, और एक लोअर लैग्स के लिए होता है जो आप नॉर्मल करते हो, तो एक गलत वर्कआउट नहीं है, पहले बता दूँ।
अभी हमारी लास्ट एक्सरसाइज है बैक की, ठीक है। अब सेकंड एक्सरसाइज करेंगे, आपको इसकी तीन वर्कआउट करनी है। और मैंने जैसे बताया आपको मूवमेंट वगैरह ध्यान रखना है। वो जाने बैक की वर्कआउट होगी कंप्लीट। तो दोस्तों ये था आज हमारा बैक का वर्कआउट। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। और आपके पति का चैनल है इंस्टाग्राम के ऊपर राहुल फिटनेस ऑफिशियल, उसको जल्दी जल्दी अपडेट कराओ। और फिर मैं 100 टी-शर्ट और 100 शेकर बांटूंगा। हाँ, और मिलते हैं 6 महीने बाद में मैचर ओलंपिया में। बैग देखो कैसे लगे आज के बैग को, और ठीक है। बाय बाय, जय हिंद।